किसके साथ जाग गए? सॉरी निकलेगी तो पहले फिर ना बैक एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। और आजकल बस लाहौर की बारिश इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं अलफता पहुँच चुकी हूँ और ये काफ़ी अरसे से चॉपर लेने का प्लान कर रही थी, क्योंकि मेरा पुराना जो चॉपर था बिल्कुल इसी तरह का था, कैनवुड का था, और वो बिल्कुल ख़राब हो चुका हुआ था। मतलब उसकी बॉडी ठीक थी, उसके बाकी एक्सेसरीज सब मेरे पास पड़ी हुई थी, लेकिन उसकी जो ऊपर का ये कंटेनर है ना, ये तकरीबन डिस्ट्रॉय हो चुका हुआ था, जिसकी वजह से फिर मुझे नया चॉपर लेना पड़ा। अच्छा, मैं यहाँ पे देख रही थी कि मल्टी फंक्शंस के साथ जो है ना चॉपर मिल जाए, क्योंकि जो मेरे पास पुराना था ना वो बहुत अच्छा था। उसके अंदर मिंट में जो है गाजरें भी कद्दूकश हो जाती थी हलवे के लिए, गजरेले के लिए, तो वरना आप पकड़ के बैठे रहो तो वो बड़ा ही लंबा एक टास्क। इसके अलावा इसके अंदर ऑरेंज जूस भी निकल आता था, व्हिपिंग क्रीम है वो भी हो जाती थी, और अगर आपने आटा गूंदना है या डो वगैरह गूँनी है छोटी मोटी तो वो भी आप उससे गूँध सकते हैं, मतलब थोड़ी क्वान्टिटी में। तो खैर, और टॉपिंग और कबाब और रानाई इन सब के लिए तो बेस्ट था ही। खैर, यहाँ पे मैं इन सब की प्राइसेस देख रही थी और मैं आपसे कह रही थी कि क्यों ना हम ये कीमे वाली मशीन ले लें, क्योंकि इसके अंदर भी वही वाले फंक्शंस होते हैं, लेकिन ये है कि ये इसका कंटेनर नहीं टूटेगा और ये लॉन्ग लास्ट करेगी। मतलब बाकी व्हिपिंग क्रीम और जूस वगैरह और कद्दूकश करने का वो सिस्टम तो नहीं है, हानि कद्दूकश करेगी, लेकिन ये है कि आपको जिस तरह बकरा ईद होती है उसके ऊपर कीमा निकालना हो वो आसान हो जाता है, और आपको कबाब वगैरह बनाने हैं तो उस मिक्सचर को भी अपने कीमे की फॉर्म में करना होता है ना, तो ये सब चीज़ आसान हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैं देख रही थी कि और कौन कौन सी कंपनीज़ की हैं, जिसमें वेस्ट पॉइंट थी, पैनासोनिक थी और कैनवुड था, और भी बहुत सारी कोई नई कंपनीज़ थी, तो बहरहाल इन सब की पड़ी हुई थी। और इसके अलावा अलग से सैलेड कटर से और आटा गूंदने वाली मशीन भी मैंने एक दो दफ़ा देखी है किसी व्लॉगर के पास, तो वो भी बहुत अच्छी रहती है। मतलब आपने जिन्हें प्रॉब्लम है ख़ुद से आटा नहीं गूंद सकते हैं, या कोई उनको स्किन एलर्जी प्रॉब्लम है जो ज़्यादा देर रहती है उनके हाथों पर और वो आटा नहीं गूंद सकते, तो फिर उनके लिए ये मशीन होना मस्ट है। यहाँ पे मैं इसकी छोटी मशीन और दोनों बड़ी के साइज दोनों का पता कर रही थी, तो आई थिंक ये 10 के अराउंड थी, 10,000 के अराउंड। 1 अच्छा चॉपर जो लेना होता है ना, तो आपको पता है कि आपने एक ही दफ़ा इन्वेस्ट करना है, मतलब एक अच्छी अमाउंट हम इन्वेस्ट करनी होती है। तो आप लोग, ये ऐसी चीज़ें तो है नहीं कि आप हर मंथ लेना है या आपको बार बार चेंज करनी पड़ेगी, नहीं, आप एक अच्छा ले लें मशीनरी जो आपको नेक्स्ट टाइम उसको मतलब चेंज ना करनी पड़े, जो ड्यूरेबल हो, जो लॉन्ग लास्टिंग हो, काफ़ी देर तक चल सके, और इसको ईजिली क्लीन करना भी आसान हो। मतलब ये नहीं कि आपकी इतनी इसकी कॉम्प्लिकेटेड सफाई हो कि आप बस इसके मीन मेखों में पड़े हैं और छोटी छोटी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से वो आपको उलझन दे के इसको सफाई करना बहुत मुश्किल है। तो कन्वीनियंट वाला जो है प्रोडक्ट वो आप ख़रीदें, और कंटेनर ये देखें कि इसका ज़रूर ना थोड़ा सा कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपने एक ही दफ़ा परचेज़ करना है, और आप बेहतर है कि ज़्यादा कैपेसिटी वाली चीज़ लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैंने तो ये चीज़ दराज पे भी देखा था इसका, इसके प्रोडक्ट के रिव्यूज़ क्या हैं, इसकी रेटिंग क्या है, और इस तरह से मैंने एक दो जगह और चेक किया था, और इसका सेलिंग रेट देख के तो फिर मैंने कहा कि दोबारा से कैनवुड के लिए ही जाना चाहिए। में
काफ़ी वैरायटी पे इनके पास जो है ना वाटर बॉटल की रेंज भी थी, मतलब जो ऑफिसर गर्ल्स हैं उनके लिए, ऑफिस में वर्किंग करने वाले लोग हैं उनके लिए, और स्कूल गोइंग हैं या स्पोर्ट्स की वाटर बॉटल, इस तरह की हर तरह की वाटर बॉटल्स हैं। और फातिमा के पास तो पुरानी बॉटल बिल्कुल यही वाली थी, लेकिन वो अब पता नहीं इसकी बाहर से कुछ कलर भी फेंट हो गया था जिसकी वजह से वो नहीं परचेज़ करना चाह रही थी, और पानी भी इसमें ज़्यादा देर नहीं रहता था ठंडा। खैर यहाँ पे उसने अपनी पसंद की वो पिंक कलर की एक बॉटल ली, और उसके बाद फिर हम नीचे चले गए दूसरे फ्लोर पर, यहाँ पर उनकी पैकिंग हो रही थी हमारी मशीन की, और इसके बाद फिर उन्होंने बिल करना था। आजकल क्योंकि हर मशीनरी की जो है ना उसका लॉक सिस्टम होता है, लॉक किए बगैर वो मशीन जो है ऑपरेट नहीं होती, चलती नहीं है, तो लॉक सिस्टम को समझना पड़ता है। यहाँ पे बस कम्प्लीटली गाइड कर रहे थे, और एक में उन्होंने रेमिंगटन का दिखाया था जो कि न्यू अराइवल लिखा हुआ था इस पर, और मेरे पास रेमिंगटन का नया स्ट्रेटनर पड़ा हुआ था लेकिन ये डिफरेंट प्लेट्स के साथ था, मतलब यहाँ पे इसमें आयरन भी कर सकते हैं और एट द सेम टाइम आप कर्ल भी कर सकते हैं। खैर यहाँ पर हमारी शॉपिंग कम्प्लीट हुई, हमने बिल करवाया और हम निकल गए। ग्रॉसरी का नेम इंटायर स्टोर जाना था, और हम लोगों ने इस दफ़ा लोकेशन चेंज की। जब लास्ट टाइम हम गए थे तो हम गुलबर्ग वाली ब्रांच में गए थे, लेकिन इस दफ़ा हम गुलशन रावी वाली ब्रांच में गए। खैर यहाँ पे जो था ना, इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो वो वाले जो है ना स्टोर ज़्यादा कन्वीनियंट है। खैर ये 14th August से पहले की जो है वीडियो बनाई हुई है, तब गए थे क्योंकि मंथली ग्रॉसरी ख़त्म हो चुकी हुई थी ऑलमोस्ट सारी, और बच्चों के स्कूल्स खुलने वाले थे आफ्टर 15th August, तो उसके बाद हमने कहा क्यों ना अभी बच्चों की वेकेशंस हैं तो ये जो है ग्रॉसरी का काम भी ख़त्म करें। स्टोर्स यहाँ पे जो है ना इम्तियाज़ स्टोर पे इन्होंने क्या कहते हैं डिफरेंट कंपनी के ना रेट्स के साथ लगाए होते हैं, और इनके यहाँ पे राइस में बहुत अच्छे 5 kg के बैग में ना बहुत अच्छे डिस्काउंट्स होते हैं, मतलब ये डील इनकी अच्छी होती है कि आप 5 kg का बैग लेंगे तो आपको इतने में, अगर आप कंपेरिजन करें तो दूसरे स्टोर से तो यहाँ पे जो है ना इनकी प्राइस जो है वो काफ़ी कम है। इसके अलावा क्योंकि आज़ादी डील्स चल रही थी, और जैसे कि आपको बताया मैंने 14th August अभी आना था, तो उसकी सेलिब्रेशन की खुशी में जो है ना यहाँ पे बाय वन गेट वन फ्री काफ़ी चीज़ों काफ़ी प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है ना ये लेबल लगा हुआ था, और जिसमें से हमने यहाँ पे मीठा बनाने के लिए कंडेंस मिल्क वगैरह पकड़े तो वहाँ पे उन पे भी था। खैर हमने अपनी सारी चीज़ें तकरीबन खरीद चुके थे, ये 2 trolleys हमारे पास हो गई हुई थी, पहले जो है वो ट्रॉलीज़ में ही बैठी होती है, और जब चीज़ें ज़्यादा हो गई थी तो फिर इसको बाहर निकाल दिया, इस वजह से ये बेचारी थक चुकी थी। अब हमने नीचे जाना था और बिल करवाना था। खैर आप चलती हूँ नेक्स्ट किसी व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।